हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं बाली के बारे में, क्योंकि अभी वैकेशन का माहौल चल रहा है तो सबको कहीं ना कहीं टूर प्लान करनी रहती है। और आजकल तो सबसे ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि भाई आउट ऑफ इंडिया ही घूमने जाना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाली की पूरी टूर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। So, अब हम बात कर रहे हैं बाली के बारे में। तो बाली में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहां जाने के लिए आपको वीजा नहीं लगेंगे। दूसरा है कि यहाँ उसकी जो फ्लाइट टिकट है, अपडेटेड टिकट यहाँ पे आपको दिखाई देगी, उसके जो अमाउंट होंगे राउंड ट्रिप के बारे में पर पर्सन के हिसाब से। नेक्स्ट आता है, अगर आप कपल जाते हो तो आपको वहां से स्कूटी लेके घूमना रहेगा, ताकि आपका कॉस्ट काफी कटिंग हो जाता है, तो वो एक्सपेंस आपका कट हो जाएगा ट्रैवल के लिए, लोकल जो भी प्लेसेस आपको घूमने हैं उसके लिए। और अगर आप फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो वहां पे आप पूरी कैब या फुल कार जो भी होती है वो आप ले लो रेंटल, और उसके बाद वहाँ पे जो भी एक्सप्लोर करना है बाली में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना होता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे मोबाइल और उसके नेट के बिना हमारा कुछ भी नहीं चलता है। तो अगर आप बाली जा रहे हो और आपके मोबाइल के अंदर आपको रिचार्ज करना है, तो 1000 या 1500 के आसपास आपको वहां से 10 GB का कार्ड मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30 days का। तो वो आप कार्ड रिचार्ज करके आपके मोबाइल में रख के आपको जो भी आपको एक्सप्लोर करना है या वहाँ के फोटोज लेके आपको आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है वगैरह के लिए आपको जो नीड चाहिए, तो उसके लिए ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जो भी फेमस प्लेसेस है उसके बारे में। तो प्लेसेस का लिस्ट ये रहा। तो सबसे पहला है उबुड, जहाँ पे आपको हिंदूज के जो भी टेम्पल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है कुतुब, उसके बाद है आपका नुसा पेनिया, और फोर्थ वन है गिली त्वेंगवन। तो ये चार प्लेसेस मेन है बाली में आपको घूमने के लिए। सो अगर आप बाली के लिए 3 to 5 days की ट्रिप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको होटल एक्सपेंसेस मिनिमम आपको 1000 से 1500 rupees के आसपास मिलेगा। उसके बाद आप लाइक कोई भी इंडिया के स्टेट से हो तो इंडियन फूड आपको चाहिए, तो वहाँ पे इंडियन फूड भी आपको मिल जाएगा, और आपको वहाँ का जो भी लोकल फूड खाना है तो आपको वो भी मिल जाएगा। बाली का जो भी लोकल फूड फेमस होता है वो आप वो ट्राई करना है, तो आपको 500 से 600 इंडियन करेंसी के हिसाब से आपका कॉस्ट लगेगा। और वन मोर थिंग, बाली की जो करेंसी होती है वो इंडिया के 1 rupee के सामने 200 rupees के आसपास उसका करेंसी रेशियो रहता है। तो वहाँ पे आप जो भी शॉपिंग करते हो या कोई भी कोई भी ट्रैवल या कुछ भी करते हो, तो उसके अंदर जो आपका कॉस्ट होता है ना, वो बहुत बड़ी अमाउंट आपको दिखेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट होती है डिवाइड बाई 200 कर देना है, ताकि आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई वहाँ पे 1 lakh की आप कोई भी चीज परचेस कर रहे हो, तो 1 lakh इज आपको सुन के ऐसा लगेगा, बट उसको डिवाइड कर देना और उसकी जो अमाउंट आती है उतने में ही आपको पड़ेगी जो भी आप परचेस कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो। तो ये पूरा इतना था कि भाई 1000-1500 में आपको होटल मिल जाएगी, उसके बाद आपको 500 से 600 rupees के अंदर आराम से आपको फूड भी मिल जाएगा। और वहाँ पे लोकल ट्रैवल के लिए मैंने एज आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप कैब कर सकते हो या फिर अगर कपल हो तो स्कूटी वगैरह लेके जा सकते हो। तो ओवरऑल आपका बजट दिखना जाए तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले आगे वीडियो में बताया था कि फ्लाइट की जो टिकट होती है ये सबसे बड़ी आपके पास चैलेंजिंग कॉस्ट रहेगा, बिकॉज ऑफ ये कॉस्ट आपकी राउंड ट्रिप की जो भी अपडेटेड सिनेरियो के हिसाब से होती है वही आपका कॉस्ट रहेगा। रेस्ट ऑफ बाली में आप घूम रहे हो तो आपका बजट 20 से 25 हज़ार का होता है, उसके अंदर आप 2 लोग आराम से 3 दिन तक घूम सकते हो, और उसका प्रॉपर आपने जो प्लानिंग किया होता है तो 25 हज़ार में बाली आप आराम से घूम सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पूरे बाली के बारे में आपको बता दिया। तो बहुत कम पैसे में आपको 3 to 4 days के लिए बाली टूर करनी है, जैसे आप काउंट कर पाओगे कि आपने इंटरनेशनल टूर की है, तो बाली बेस्ट है। कम खर्चे में आप आराम से 2 लोग बाली घूम के आ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ मयूरी, जय हिंद।